हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एकेडमी। तो दोस्तों, आज देखो हम कम्युनलिज्म पूरा करेंगे। चैप्टर कम्युनलिज्म चैप्टर जो है मेंस में पेपर वन में है। पेपर वन में एक रीजनलिज्म हमने ऑलरेडी पूरा कर दिया है और उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको पोस्ट कर दिए हैं। कम्युनलिज्म स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलूँगा। देखो, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरा कहीं से कहीं तक कोई ये मकसद नहीं है किसी के धर्म को, धर्म की भावना को ठेस पहुँचे। ठीक है, मेरा एक ही धर्म है, दैट इज इंडियन, भारतीय। तो भारतीयता की चश्मे से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और थोड़ा मैच्योर होकर पढ़ो। ठीक है, सब धर्म की आलोचना चलेगी इस चैप्टर में और उसको एक्सेप्ट करो। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और आप भी एक्सेप्ट करो, तभी हम इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कम्युनलिज्म जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेल आए बड़े बड़े कि सर, आप हिंदी मीडियम के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, और बाकी जो है वर्ड उनकी इंग्लिश तो आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो मेरे को नहीं लगता मेरा लेक्चर जो है केवल इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बहुत आसानी से मेरे लेक्चर को समझ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे को लगता है बहुत टफ वर्ड आएगा, तो मैं उसकी हिंदी भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर मेरे को उसकी हिंदी आती होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म जो वर्ड है उसका मतलब होता है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता भारत में क्यों है, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन जो है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मल्टीपल फेथ एंड रिलीजन। ठीक है, ये रिलीजन है। तो भारत में क्या है, बहुत सारे फेथ हैं। हमें पता है कि यहाँ पे इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो सबकी अपने सबको अपना अपना धर्म बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, दूसरा रीजन वही लव ऑफ वंस रिलीजियस कम्युनिटी। तीसरा रीजन क्या है उसमें, कि प्रमोट द कम्युनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। ये रीज़न नहीं है, इसका मतलब है कि कम्युनलिज्म की परिभाषा है कि कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि अपने रिलीजन से इतना प्यार करना कि दूसरे रिलीजन को नफरत करना। ठीक है, और अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मानना कि मैं जिस धर्म से हूँ, एक्स धर्म से, तो मेरा धर्म जो है वही सबसे ऊपर है और बाकी धर्म जो है मेरे से छोटे हैं। तो ये भावना जब आ जाती है तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का ओरिजिन हम देखें तो ये हमें अंग्रेज़ों से ही मिला था, जब उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन तीनों को अगर आप जाके लक्ष्मीकांत में अच्छी तरह पढ़ना, तो यहाँ पे कम्युनलिज्म मतलब उन्होंने क्या करा था। देखो, अभी मैं हिंट देता हूँ आपको कि 1909 में उन्होंने क्या था, इलेक्ट्रोलाइट जो था हर किसी कम्युनिटी को दे दिया था। ठीक है, फिर इसमें और माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐड कर दिया था, फिर वुमेन को भी ऐड कर दिया था। तो ये सब क्या था, कम्युनलिज्म ही फैलाना उनका मकसद था। तो अगर हम इसका ओरिजिन को ट्रेस करें तो इन तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कम्युनलिज्म को हम ट्रेस कर सकते हैं। मेन फीचर क्या क्या होते हैं कम्युनलिज्म के। सबसे पहला इम्पोर्टेंट इसका फीचर यही होता है कि बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी। तो देखो, ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है तभी तो वो समय के संग, अब देखो समय के संग जो है इंडिया इतना डेवलप्ड हो रहा है, तो कोई धर्म जैसी कोई भावना होनी नहीं चाहिए किसी के, मतलब किसी से नफरत करने की धर्म के साथ। ठीक है, सभी धर्म समान है, सभी को उचित मतलब एक तरीके का इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि सब धर्म के लोग विकास करें। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जिनके दिमाग में अभी भी चलता है कि नहीं नहीं हम सबसे ऊपर हैं, हम हमारे नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है, तो भारत का मतलब इस धर्म से मतलब है, तो ये जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है सोसाइटी में जो अभी भी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कम्युनलिज्म भावना को फैलाने का। दूसरा क्या है, ए कम्युनिस्ट कंसीडर हिज ओन रिलीजन टू बी सुपीरियर। तो मैंने बताया था वो कम्युनिस्ट जो भी होगा कम्युनलिस्ट, तो कम्युनलिस्ट आदमी जो होगा अपने धर्म को हमेशा कहेगा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। और इसके क्या फीचर होते हैं, कि बेस्ड ऑन इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ी सी भी टॉलरेंस नहीं है किसी धर्म के लिए, अगर उस धर्म ने आपके लिए कुछ बोल दिया तो बिना कुछ उसको क्लेरिफाई किए आप भी उस धर्म के लिए कुछ भी उल्टा बोल देते हो, टॉलरेंस है ही नहीं आपके अंदर। तो ये कम्युनिज्म भावना को बढ़ाता है। और क्या क्या चीज़ बढ़ाती है कम्युनिज्म भावना को, प्रोपोगेट इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन। सब लोगों को भड़काना कि देखो हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म बेकार है, ये भारत को पीछे ले जा रहा है खींच के। ऐसे जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जो मतलब नोटोरियस पर्सनालिटी हैं, वो आज भी ऐसा बोलती हैं और लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। उनके अंदर क्या भावना आती है,
कंप्लीट एलिमिनेशन कर दो कि भारत से कुछ धर्मों को हटा ही दिया जाए, और क्या करते हैं यूज़ ऑफ वायलेंस, जब उन्हें मौका मिलता है वायलेंस करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं, और मतलब एक तरह से रिवॉर्ड्स वाली कंडीशन पैदा कर देते हैं। अब है कम्युनल वायलेंस। देखो कम्युनल वायलेंस को अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि जो प्रायर टू 1947 मतलब आज़ादी से पहले जितने भी कम्युनल वायलेंस होते थे तो उनकी जो रूट थी, हमें ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके अकॉर्डिंग ही सारे रिवॉर्ड्स कम्युनल रिवॉर्ड्स होते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि कुछ सेक्शन ऑफ इलाइट, हर धर्म में देखो हर धर्म में कुछ ना कुछ एक बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, तो वो मेन रीजन माने जाते हैं आज जो कम्युनलिज्म हो रहा है, आज जो सांप्रदायिकता हो रही है उसके मेन रीजन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जब देखो भारत में 1947 के बाद जब विकास हुआ तो हमें सबको पता है कि बहुत ही अनइवन डेवलपमेंट हुआ, मतलब हर जगह समान डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इस अनइवन डेवलपमेंट से कुछ ही क्लास को फ़ायदा हुआ, ठीक है, मतलब एक रिलीजन के अंदर उसमें सारे उस रिलीजन के सारे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें जो ऊपर लोग थे मतलब जो डेवलप्ड एरिया के आसपास थे, ठीक है, वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने ही क्या करा जो ये लेस डेवलपमेंट अन ईवन डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स थे, मतलब इसके कारण कुछ ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली और जिसको अपॉर्चुनिटी मिली वो कैश अप कर गए, ठीक है, तो वो इस लिमिटेड ग्रोथ होने के कारण कुछ लोग थे जिन्होंने इन्जॉय किया द फ्रूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड हैंस दे इन्जॉय द पॉलिटिकल पावर। तो जब पैसा आया उन लोगों के पास तो वो पॉलिटिक्स में भी घुस गए, समझ रहे हो ना, देखो जैसे भारत में अनइवन डेवलपमेंट हुआ तो कुछ ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली डेवलप्ड होने की, तो वो इतने अमीर हो गए, इतने अपने प्रभावशाली हो गए, इलाइट ग्रुप बन गए अपने अपने रिलीजन में कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब देखो जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में चले गए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सम सेक्शन अमंग द इलाइट डेवलप्ड ए सेंस ऑफ राइवलरी टू डियर काउंटर पार्ट इन द कम्युनिटी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा अपनी पावर को मजबूत करने के लिए इन इलाइट्स लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के काउंटर पार्ट, मतलब जैसे कि एक पार्टी है एक्स, इसमें एक कोई बहुत तगड़ा लीडर है जो एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी पार्टी उसके सामने वाई, और वो जो वाई पार्टी उसमें एक जो नेता है वो इसका रिलीजन से दूसरे रिलीजन का है, तो वो उसका काउंटर पार्ट हुआ, मतलब उसको हमेशा उसके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के सारे वोट ले लूँ तो सामने वाला अपना आप हार जाए, और सामने वाला चाहेगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के ले लूँ, तो एक राइवलरी उत्पन्न होने लग गई जो इलाइट्स के अंदर अपनी अपनी कम्युनिटी के वोट्स को लेने के लिए, अपने अपने काउंटर पार्ट को हराने के लिए। तो उन्होंने क्या करा सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। फिर वही लिखा इन ऑर्डर टू ड्रा सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने ये फीलिंग को और ज़्यादा फैलाया। व्हेन मैनी अमंग द कॉमन पीपल फील इनसिक्योर, देखो ये हमारे लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी देखो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो हम क्या करते हैं धर्म की सहायता लेने लग जाते हैं। जैसे कि देखो बहुत सारे लोग हर रिलीजन में देख लो जब उन्हें लगता है कि मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें किसी बाबा के पास चले जाएंगे, ठीक है, किसी कुंडली वाले के पास चले जाएंगे, किसी हकीम के पास चले जाएंगे, तो ऐसे लोग ज़्यादा वुलरेबल होते हैं किसके लिए कम्युनलिज्म के लिए, मतलब ऐसे लोगों को हम चाहें तो सांप्रदायिकता के अंदर ला सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो पहले से टूटे हैं, और जब आदमी टूटता है भारत में तो वो भगवान का, ठीक है, या रिलीजन का सहायता लेता है, और फिर इसी ऐसे ही लोग को टूटे हुए लोग को ये पॉलिटिशियन, ठीक है, और ये बाबाज लोग देखते रहते हैं और वही उन्हीं को कम्युनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाते हैं। तो वही मैंने लिखा है व्हेन मैनी अमंग द कॉमन पीपल फील्स इनसिक्योर बिकॉज ऑफ सम एडवर्स सर्कमटेंसेस दे ऑफन टेंड टू रिलाई ऑन रिलीजन विच मेक्स देम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अब क्या है सम स्पेसिफिक लोकल कॉजेस, देखो जब भारत में स्टडी हुई इनकी ये रिवॉर्ड्स क्यों हो रहे हैं, ये कम्युनल रिवॉर्ड्स क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजन आए, तो एक तो रीजन आया पॉलिटिकल रीजन जो अब तक हमने पढ़ा, ठीक है, एक रीजन आया ब्रिटिश वाला तो वो तो पहले हो चुका था, अब जो लोकल मतलब कुछ स्थानों पर स्पेशल तरीके के रीजन पाए गए, जैसे कि पावर ऑफ ये पावर है, ठीक है,
पावर ऑफ स्मगलर, जो स्मगलर होते हैं, क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, उसे धर्म के नाम नाम का मतलब उसके धर्म का नाम दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है सारी भीड़ भी इन्वॉल्व हो जाए और अपना मकसद वो पूरा कर लेते हैं इस रियॉट्स के खेल के अंदर। दूसरा तीसरा रीजन क्या है, लोकल राइवलरीज बिटवीन ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं मतलब जो आपका क्या ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, दो अलग अलग व्यापारी, वो चाहता है कि इस सिटीज़ में मेरा व्यापार चले, दूसरा चाहता है कि मेरा व्यापार चले, तो ये आपस में राइवलरी जो होती है इनके अंदर, इसके कारण भी दंगे होते हैं और फिर इन दंगों को ये धर्म का नाम ले देते हैं, धर्म की आड़ में अपने राइवलरी को मारने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कब किया गया, मुरादाबाद में, ठीक है, तो जो मुरादाबाद में जब दंगे हुए थे तो बाद में एक स्टडी पाई गई कि वो धर्म के नाम पे दंगे थे ही नहीं, उनका मेन रीजन था एक जो थी ट्रेड, ठीक है, ग्रुप दूसरे ट्रेड ग्रुप को ख़त्म करना चाह रहा था और उसने धर्म के नाम पे इतना सब कुछ करा दिया, जिसको मारना था मार दिया। तो ये ऐसा पाया गया कहाँ पे, मुरादाबाद दंगों में ये आउटकम आया। तीसरा रीजन क्या है, कुछ हिस्टोरिकल कम्युनल रियॉट सेंटर हैं, जैसे अलीगढ़ और हैदराबाद, यहाँ पे मतलब इतिहास के पन्ने खोलें तो बहुत पहलों से दंगे होते आ रहे हैं धर्म के आधार पे। तो अभी भी अगर छोटी सी भी कुछ मतलब एक्टिविटी होती है दो धर्मों में, आपस में क्लैश होता है, तो ये हाईली सेंसिटिव एरिया होता है अलीगढ़ और आपका हैदराबाद, जहाँ पे छोटी सी भी अगर आपने एक कुछ एक धर्म के खिलाफ कुछ छोटा सा भी स्टेटमेंट बोल दिया तो दंगे होने की कंडीशन हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकल जो है इनका बैकग्राउंड है इसमें, तो कुछ ये भी रीजन आप वहाँ पे पेपर में लिखोगे। फिर उसके बाद है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि जो दंगे होते हैं, ठीक है, जो कम्युनलिज्म हो रही है भारत में, सांप्रदायिकता हो रही है, तो इससे क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो कि व्हाट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनलिज्म, तो ये क्या क्या कम्युनलिज्म का है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रिलीजन। देखो नेता लोग भी बहुत चालाक होते हैं, इन्होंने सोचा कि भारत में धर्म की भावना बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्यों ना अपने अपने धर्म के आधार पर पार्टियां बनाई जाएं और अपने अपने लोगों को अपने अंडर लिया जाए, जिससे क्या हो उनकी दुकान हमेशा चलती रहे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे अकाली दल है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और शिवसेना, तो ये जो है एक रिलीजन बेस्ड पार्टी है। हालांकि अभी बोल देंगे ना हम सब सबको साथ लेके चलते हैं, वो बात अलग है, जब ये ओरिजिन हुई थी तो इसी हिसाब से हुई थी। अब है इमरजेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप बेस्ड ऑन द रिलीजन। दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या है कि इस कम्युनलिज्म भावना के अंदर प्रेशर ग्रुप बने अपने अपने धर्म के, जैसे कि RSS आया आपके सामने, विश्व हिंदू परिषद आया, जमात ए इस्लामी आया। तो देखो ये मत बोलना मैं RSS के खिलाफ जा रहा हूँ, BJP के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं सभी धर्म के जो जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है वो प्रेशर ग्रुप आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारा धर्म क्या है, इंडियन, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, सबसे पहले क्या है हम इंडियन। और क्या मैनिफेस्टन हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ, कम्युनल राइट्स हुए, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। फिर डिस्प्यूट ओवर रिलीजियस स्ट्रक्चर, आज भी ये मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म भावना भारत के अंदर सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा है कि कुछ इशू हैं जो आज भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे राम मंदिर इशू और बाबरी मस्जिद इशू। अगर मान लो सोचो भारत में कम्युनलिज्म होता ही नहीं, सभी धर्म की बात होती, तो फिर ये सब इशू सामने आते नहीं। तो आपको ये पेपर में जो सेकंड पार्ट होगा आपके आंसर का, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन लिखोगे और उसको करंट से ऐड कराओगे। अब क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीज़न, रीज़न क्या क्या होते हैं आपके कम्युनलिज्म के, सांप्रदायिकता के रीज़न। पहला रीज़न मतलब कारण, पहला कारण क्या है सांप्रदायिकता का, पहला कारण है सांप्रदायिकता का भारत में है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ऑफ मुस्लिम। देखो अभी भी हम मानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म जो है थोड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है आउटकम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके पास आउटकम जो है उसमें यही रीज़न आए थे कि वो थोड़े रिलीजियस है, मतलब थोड़ी सी अगर मतलब उनको बोलें कि नहीं ये धर्म के नाम पे ही हो रहा है कि अब जिहाद करना चाहिए, तो वो ज़्यादा भावनाओं में आ जाते हैं। दूसरा है, दो हिंदू की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की चौविनिज्म है कि देखो हिंदुत्व है सबसे बड़ा हिंदुत्व, ये इस टाइप की भावना उनके अंदर बहुत होती रहती है। तो इन भावनाओं से तो मतलब दोनों रिलीजन के लोग अपनी अपनी चीज़ों को अगर मान लीजिए उनकी कमियों को छोड़ें, और सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस, उनके अंदर ये भावना हो कि ना हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ चीज़ हमारे धर्म में भी
कमी है, कुछ तुम्हारे धर्म में भी कमी है, इनको दूर करो और एक अच्छे भारत का निर्माण करो, तो ये फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पहला रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया, तीसरा रोल ऑफ पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान आज़ाद हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी उसने अपने कुछ शैडो, ठीक है, मतलब उनके कुछ, मतलब कुछ एजेंट हैं जो भारत में अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो अपना पाकिस्तान अपना रोल करता रहता है, जम्मू कश्मीर में करता रहता है, फिर वो भावनाएँ भटकती हैं तो वो पूरे इंडिया में फैलती हैं। तो पाकिस्तान कुछ पेड, मतलब लोगों को, मतलब पेड टेररिज्म करता है कि लोगों को भड़काता है, वहाँ के लोगों को उनको पैसे देता है, उनको खाने के पीने की व्यवस्था पूरी करता है, तो रोल ऑफ पाकिस्तान भी हमें समझना पड़ता है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो केवल और केवल धर्म के नाम पर ही सरकार में आती हैं और फिर चले जाती हैं, फिर धर्म के मामले फिर आ जाती हैं, करती हैं उस धर्म के लिए भी कुछ नहीं है। फिर है इलेक्टोरल कंपल्सन, ये हम लोगों का, मतलब जो वोट डालते हैं, जो वोटर्स हैं उनके पास क्या कहते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता कि हम किस पार्टी को डालें, तो वो भी कंपल्सरी होता है कि यार दोनों पार्टी खड़ी हैं, वो एक इस धर्म की है उस धर्म की, तो हम क्या करें। तो हम लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर कोई अच्छी पार्टी नहीं खड़ी हुई है तो ठीक है निर्दलीय को वोट दे दो, किसी और को वोट दे दो, लेकिन इन पार्टियों को मत दो जो जो कम्युनलिज्म करती हैं, ठीक है। अच्छी पार्टियों को हमेशा वोट देना चाहिए, और कम्युनल मीडिया, ये सबसे बड़ा रोल है। कि इस पे एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोल ऑफ कम्युनल मीडिया इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे हर रीजन को बड़ा बड़ा। अभी हम खाली एक लाइन पढ़ते हैं कि कम्युनल मीडिया क्या है, ये सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब एक छोटी सी भावना इस यहाँ पे हुई। अब इसको गंदी तरीके से न्यूज़ में फैलाना, और पता है न्यूज़ सब कुछ देखते हैं तो पूरे इंडिया में फैल जाएगी, फिर रिपोर्ट होना, तो अच्छे कम्युनल जो मीडिया हाउस हैं उनको क्या है, एथिकल प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। जब तक पूरी चीज़ पता ना हो जाए, दोनों धर्मों के स्टेटमेंट ना लो, तब तक उस न्यूज़ को चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलाने से पहले बहुत ज़्यादा उसको होमवर्क करना चाहिए, लेकिन आजकल इस मीडिया में ऐसा होता नहीं है, वो अपनी TRP के लिए कुछ भी चला देते हैं। तो ये रीजन जो है हमने पढ़े, ये सारे रीजन पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड इसलिए रखी क्योंकि अभी देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, कम्युनलिज्म पढ़ लिया, ठीक है, कम्युनलिज्म के रीज़न पढ़ लिया हमने, ठीक है, क्यों होता है, क्या हिंदू धर्म में कमी है, क्या मुस्लिम धर्म में कमी है, क्या हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्या प्रेशर ग्रुप आए, ठीक है, क्या पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन रिलीजन आई, तो ये सारी चीज़ों को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला भारत में कम्युनलिज्म क्या है। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट टू में इस कम्युनलिज्म में क्या करेंगे, करंट ऐड करेंगे, ठीक है, अभी अभी भारत में क्या क्या हो रहा है, मान लो कहीं पर रिसॉर्ट्स हो गए। अब देखो तुमने सोचा होगा यार सर ने इतने सारे रिसॉर्ट्स तो मेंशन ही नहीं करे, वो मैंने मेंशन इसलिए नहीं करे क्योंकि वो हम जब इसके अप्लाइड पढ़ेंगे तो मैं एक साथ भारत में जो भी रिसॉर्ट्स हो रहे हैं, जो उन पे आउटकम आए हैं, वो सब रीजन आपको बताऊंगा, जिससे कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करती है भारत में, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है, तो वो जो जो मेजर अडॉप्ट करती है फिर हम उसको पढ़ेंगे पार्ट टू में, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा आपको। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी कॉपी में उतारते रहो, अभी आपको लगेगा कि क्या छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड कुछ नहीं है, वहाँ लिखने में आफत आ जाती है, ठीक है। तो बेसिक प्लस अप्लाइड, ये मेरी अप्रोच है, पहले बेसिक 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 ख़त्म करूँगा, फिर उनका उनको अप्लाइड अप्लाइड कराऊँगा। तो बेसिक जब तक आपकी कॉपी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आना है तो उससे 2 पेज से ज़्यादा हमें लिखने नहीं है, ठीक है। तो क्यों हम बेकार की चीज़ें पढ़ें, वही चीज़ें पढ़ें ना जो लिखनी हो, छोटी हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है पेपर 1, 2, 3, 4 कि थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, समझ रखोगे तो सारा करोगे। अभी बड़ा बड़ा पढ़ा दूंगा तो आपको लगा हाँ चलो कम्युनलिज्म में 10 लेक्चर दे दिए, रीजनलिज्म में 10 लेक्चर दे दिए, लेकिन वो वर्थलेस है। मुझे पता है ना कि वहाँ पर 1.5-2 पन्ने ही लिखने पड़ते हैं। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में लिखो, और अभी मत सोचो कि कोर्स कैसे पूरा होगा, धीरे 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 अपना आप सबसे बढ़िया कोर्स हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं।